इस वचन को देखेंगे, अफिसियों की पत्री ये बहुत पावरफुल वचन है। जो लोग इसको समझ आए, इस वचन की लिखित को और इस वचन को, बोलो, शैतान का, बीमारी का उनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बोलो, शैतान का, बीमारी का, मैंने कहा उनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ये वचन परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को दिया और प्रेरित पौल ने अफिसियों के लोगों को ये खत, ये पत्री लिखी। उसने कहा, ये 1:17 से हम पढ़ेंगे, जहां पे ऐसे लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उस शक्ति के, उस प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शरोमनी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी ध्येय और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन, हालेलुया। ये बहुत ही बड़ा वचन है, बोलो क्या है। इसीलिए लिखा कि तुम्हें परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या दे? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, क्योंकि बिना आत्मा के कोई नहीं समझ सकता कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा को समझ नहीं सकता। क्या नहीं सकता? इसीलिए पौलुस कहता है, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा में प्रार्थना करूंगा, दोनों चीजें। मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर उसने आपको बुलाया है तो वो कहता है सबसे पहले आपको उसकी पहचान के लिए ज्ञान और आत्मा का प्रकाश दे। बोलो क्या दे उसे? अपनी ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, ताकि उसे समझ आए। क्या है? सुनो सुनो ध्यान से, उसे समझ आए कि मैं तेरे जीवन से क्या चाहता हूं। इसीलिए उसने कहा, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में, ज्योति में पंजाबी में ऐसे लिखा, तुम्हारे दिल की आंखों को जानन, ज्योति में मतलब जानन, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में, ताकि तुम उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी महिमा का धन क्या है समझ सको। और लिखा, हम में जो विश्वास करते हैं उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ कितनी महान है। हम में जो विश्वास करते हैं उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ उन लोगों के लिए कितनी महान है। लिखा, जो उसने मसीह में किया सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, हर चीज के ऊपर, लिखा, ना केवल इस लोक में, आने वाले लोक में भी उसका नाम लिया जाएगा, उसे बैठाया, किसे? यीशु में। बोलो, किसे बैठाया? किसे बैठाया? यीशु को। और लिखा, उसे शरोमनी ऐसे ठहराकर कलीसिया को दे दिया। क्या कर दिया? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। लिखा, जे उसकी ध्येय है, ये उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूरा करता है। बोलो, जब इस वचन का भेद परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, बोलो, जब मैंने इस वचन को आज से कुछ बहुत साल पहले पढ़ा, तो
परमेश्वर ने मुझे इस वचन की समझ दी कि इस वचन का मतलब क्या है, कि हम में जो श्वास करते हैं उसकी शक्ति कितनी महान है, उस सामर्थ के अनुसार जो कार्य करती है, सबके जीवन में काम करती है, जो काम उसने मसीह में किया उसे मरे हुओं में से जलाकर सब प्रकार की प्रधानता हर एक चीज के ऊपर बैठाया, समझ रहे हो, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। बोलो, श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। इसका मतलब ये, जैसे आज लोग दुखों में, दुष्ट आत्मा के झकड़े हुए, कर्ज के नीचे हैं, बोलो, है ना, अलग अलग बीमारियां हैं, पता नहीं कई बीमारियों के ऐसे नाम हैं, बोलो, हॉस्पिटल में जाओ तो ऐसे लिखे होते हैं, समझे। पर बाइबल परमेश्वर का हमें ये पवित्र वचन हमें बताता है कि सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। क्या कर दिया, किसके नीचे कर दिया, और इसका मतलब ये, जैसे श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया, किसको दे दिया, कलीसिया को, जैसे मेरा सिर, जैसे आपका सिर या मेरा सिर, आपका सिर नहीं है, ये सिर मसीह का है, बोलो, ये सिर मसीह का है, और आप उसकी देह हो, लिखा जो सब में सब कुछ पूरा करता है। अगर आपका सिर आपका नहीं है, आपका सिर मसीह में है, तो ये देह मसीह की है। अगर उसके पैरों के नीचे सब कुछ है, तो बाइबल हमें ये बताती है कि आपके पैरों के नीचे भी परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। इसीलिए उसने कहा शैतान को, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा, शीघ्र ही मैं शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा, समझ हो, किसने ये बड़ा काम किया आपके लिए, समझ हो। इसलिए अभी देखो, जैसे मान लो किसी के पथरी है, बोलो, ये मान लो यीशु मसीह का हाथ है, बोलो, तो सब कुछ उसके पांव के नीचे मतलब कर दिया। जैसे ये माइक, मान लो ये माइक एक बीमारी है, जैसे ये कैंसर है, ये किसके नीचे, रसौली गैंठिया, समझ आ रही मेरी, समझ आ रही है, किसी के घर में क्लेश है, किसी के पास वो नहीं है, बच्चा नहीं, घर नहीं, काम नहीं है, वो पैरालाइज का मरीज है, उसकी सांस फूलती है, बोलो, उसकी उसको आंखों से दिखता नहीं है, उसकी जुबान बंद है, उसके कान बंद है, समझ आ रही है, उसकी डिस्क में प्रॉब्लम है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड खराब है, उसके घुटने खराब है, सब कुछ, बोलो, सब कुछ किसके पांव के नीचे, बोलो, किसके पांव के नीचे, यीशु के नीचे। अगर यीशु के है तो यीशु आपका सिर है, श्रोमणी मतलब सिर, श्रोमणी मतलब आपका सिर आपका नहीं है, आपका सिर मसीह है। अगर उसके परमेश्वर ने सब कुछ पैरों तले कर दिया, अगर आप उस पर विश्वास करते हो, तो हर हालात, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा आपके पैरों के नीचे है। क्या है, आपके पैरों के नीचे। अभी लोगों को यह समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर ने आज की उद्धार की कलीसिया के लिए क्या किया। आज लोगों का मन परमेश्वर के वचन पर नहीं, जैसे कुछ लोगों का आज की कलीसियाओं का मन तेल पानी पर लगा हुआ है, सिर्फ किस पर लग गया, तेल पानी पर। पर बाइबल में लिखा यीशु मसीह, ऐसे परमेश्वर ने कहा अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व उसने किसको दिया, अपने वचन को, कहीं पे नहीं लिखा तेल पानी को दिया। पर आज लोगों का मन परमेश्वर से, उसके वचन से उठकर इन चीजों पर लग गया, क्या लग गया, इन चीजों पर, और ये एक रीति बन चुकी है, बोलो। हां, कभी कभार अगर परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, क्या करे, अगुवाई करे इस चीज के लिए जिसका जो विश्वास नहीं बनता, उसके लिए मैं आत्मा से करता हूं, वैसे नहीं, जैसे यीशु मसीह ने इकन्नी के मन को, उसके विश्वास को देखा, उसने ऐसे थूका और मिट्टी घोई और लिखा उसकी आंखों पर लगा दी, क्या कर दी, क्या कर दी, और उसे कहा जा जाके शलीहो कुंड में धोला,
कहां पे जाके डोला? शलियो कुंड में। लिखा वो क्या हुआ, उसने यीशु मसीह की कही हुई बात पे विश्वास किया और लिखा जब जाकर उसने धोया तो वो देखने लगा। क्या लगा? वो देखने लगा, देखने लगा तुरंत। समझते हो? समझ आ रही है? तो इसलिए परमेश्वर ने तो आपके लिए बड़ा काम किया है। किया कि नहीं किया? हर चीज आपके पैरों के नीचे है। कितने लोग विश्वास करते हैं? दुष्ट आत्मा आपके पैरों के नीचे, बीमारी आपके पैरों के नीचे है, हर हालात आपके पैरों के नीचे है। आज से आपने प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल क्या करना है? मैं आपको बताता हूं अपना प्रैक्टिकल। जब जे वचन की समझ खुदा ने मुझे दी, बोलो, तब मैं बिल्कुल प्रभु में नया था। नया सोच लो, 3-4 महीने का विश्वासी, 3-4 महीने का पैदा हुआ मसीह। देखो 4 महीने के बाद परमेश्वर ने इस वचन की मुझे ऐसे समझ दी, अपने आप इसका मतलब क्या। और एक रात की बात है, मैं अपने घर में, ये कुछ समय पहले की, काफी समय पहले की बात है, मैं अपने घर में था, मेरी फैमिली ऐसे सारे बाहर थे, गर्मियों के दिन थे, मैं रूम में सोया हुआ था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। उस रात अचानक ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने मेरे गले को दबा लिया और मेरी सांस बंद हो गई। काफी ऐसे कुछ 1:30-2 बजे का टाइम था, तो ऐसे जब मेरी सांस ऐसे जैसे मेरा गला किसी ने दबा लिया, तो मैंने अपनी आंखें खोली और मैं अपनी फैमिली वालों को आवाज दे रहा था, मेरी आवाज नहीं ऐसे मतलब बाहर आ रही, तो मैं उन्हें ऐसे इशारा कर रहा हूं हाथ से कि मेरा किसी ने गला दबा लिया, ऐसे ऐसे कर रहा हूं हाथ से, पर मेरी आवाज तो निकल नहीं रही। क्या नहीं रही? मेरी आवाज तो निकल नहीं रही। तो तुरंत जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुरंत उन फैमिली से मेरा मन हटकर किस पे गया? परमेश्वर पर। और मैंने खुदा के इस वचन को याद किया। क्या किया? कि उसने सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया है और यीशु हमारा सिर है, मैं उसकी देह हूं और उसने मेरे भी पैरों के नीचे। सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बाद में बोलेंगे हाँ जी बुद्धि है ना, कम बुद्धि है, क्योंकि इतना बड़ा वचन है। बोलो, शैतान को शर्मिंदा करने वाली चीज है ये, और हालातों को उखाड़ के फेंकने वाला वचन है। और लोग ऐसे बैठे, कुछ लोग बाद में वो आखेंगे बहुत जी होया नहीं वो। और मैंने जब ये वचन सुना तो मैंने प्रैक्टिकल किया और मैंने तुरंत उस रात वचन को याद किया कि परमेश्वर ने मेरे लिए यह काम किया है। और मैंने मन में, आवाज तो मेरी आन निकल नहीं रही, मैंने मन से ऐसे कहा उस शैतान को जिसने मेरे गले को दबाया, मैंने उसे आज्ञा दी यीशु के नाम से, चल छोड़, ऐसे मन से। तब मैं 4 महीने का विश्वासी था। आप ऐसा प्रेम करते हो? ऐसा विश्वास करते हो? खुदावन सब कुछ आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल में कितना कुछ कर दिया। लोग अपनी चंगाई के लिए 10 साल 20 साल 5 साल काम नहीं हो रहा, यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल में दुनिया को हिला दिया। क्या कर दिया? क्योंकि उसने अपना मन किन चीजों पर लगाया। मैं 4 महीने का तब विश्वासी था जब ये चीज मैंने की, और मैंने अधिकार से उसे बोला चल, तेरा कोई अधिकार नहीं। और जैसे मैंने बोला, मेरी सांस एकदम सही हो गई। क्या हो गई? एकदम सही हो गई। समझ रहे हो? और जैसे मुझे फिर नींद आई, वो हालात फिर मेरे आया, फिर मैं वही सेम हालात, जब मुझे नींद आई कुछ मिनटों के बाद, फिर सेम हालात वो आ गया। मैं डरा नहीं, ऐसे नहीं कि अब उठकर मैं दूसरी जगह चेंज करूं। मैंने शैतान को कहा, तुझे एक बार मैंने बोला, तुझे समझ नहीं आती, ऐसे कहा मन से कि जो मैंने तुझे कहा है चल, मैंने फिर से उसे दबकाया
और फिर नहीं पता लगा सवेर कब हुई, बोलो, फिर नहीं पता चला कि सवेर कब हो गई, समझ आ रही है, फिर नहीं पता चला कि सवेर कब होगी। और इस वचन से मुझे बहुत दिलेरी मिली और फिर मैं उसके प्रेम में, उसकी बातों में, उसके ज्ञान में बढ़ता ही चला गया। बोलो, मैं बढ़ता ही चला गया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, वो इस दुनिया में प्रकट हो जाएंगे। बोलो, जो लोग चाहते हैं कुछ इस दुनिया में, समझ आई इस वचन की, आई समझ? शैतान, हालात, बीमारी कुछ नहीं, आपके पैरों के नीचे। बोलो, क्या है आपके? इसीलिए क्या हमें जो विश्वास करते हैं, बोलो, उसकी सामर्थ कितनी महान है। हमें जो विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के लिए कौन मरा, किसने ये मुझे अधिकार दिया, बोलो, किसने मुझे ये अधिकार दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया, बोलो, दे दिया कि देगा, उसने दे दिया है।